अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू आपको भाई आई गया न्यू वीडियो के साथ। ये मेरा 13 व्लॉग है और आज है ना 11 अक्टूबर है, तो अभी अभी बस स्कूल से आई है। अच्छा आज जो है ना सीन कुछ ऐसा है, बिल्कुल हिबा आ गई आप तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है। आज ये घर पे हम जाएंगे, गुलाम भी जाएंगे, बट अभी घर पर है हम। अच्छा यहाँ क्या काम है मैं आपको बताऊँ। हमारे घर का बाहर का चल रहा है फर्श, ये जितना ऊँचा है ना इतना ऊँचा ही होगा ये लेवल, ठीक है। तो अभी ये भाई को बोला है मलबा उठा रहे हैं, मलबा उठा के डालेंगे इधर सारे के फैलाएंगे, फिर उसके ऊपर होगी सीमेंट उमेंट, मतलब माल बन के डलेगा। तो अभी जो है ना ये भाई माल डाल रहे हैं मलबा, तो आपके साथ सब कुछ शेयर करते रहेंगे आहिस्ते आहिस्ते। तो भाई मैं जो है ना निकल गया था भैंस को लेने के लिए रास्ते में, जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने बना ली वीडियो। तो ये मैंने अपना मुर्गा मुर्गियों की लड़ने वाली लेते हुए ही आ रहा था भैंस कॉलोनी से ना, तो सीन कुछ ऐसा हुआ मैं वहीं पर ही था, तो पापा ने बोला यार तुम चले जाओ काम से वहाँ पर, तो यूनुस भाई यहाँ संभाल लेंगे। तो मैं निकल गया था सीधा भैंस कॉलोनी के लिए। तो ये जब निकल तो गया था, जब मैं वापस आ रहा था ना तो फिर जहन में आया यार वीडियो बना लो, गिरने वाली घास भी ले ही ली थी ना। कॉलोनी से आया था बिल्कुल, अभी रुका हूँ, अभी भी उतरा हूँ बाइक से, बैग वैग अंदर रखा तो बाहर आया हूँ। तो अभी जो है ना ये और भी मलबा पिलाना है, इधर इन्होंने बस ये पिलाया है, मैंने आना जाना भी कर लिया। अभी जो भर के ला रहे हैं ना उन्होंने यहाँ पिलाना है, यहाँ लेवल करके पिलाना है। अभी हम चलते हैं ऊपर, अभी चलते हैं ऊपर, वो तोतों का भी दाना वाना करना है और मुर्गी की घास भी ले आते हैं, मुर्गी की घास रखते हैं, दाना पानी करते हैं, फिर जो है ना। अच्छा कल जो है ना हम ये लाइटें भी हटा देंगे इंशाल्लाह। भी यूनुस भाई से मंगवाई थी पेटियाँ, ठीक है पालक भाई पेटियाँ बड़ी जो है सही है, ये छोटी लग रही हैं। नहीं सही है, रख दिया बस, बहुत है मुर्गियों के लिए। पानी नहीं दे दिया इसको, आप करवा ले, तो मैं जा रहा हूँ ऊपर। सही है जा तू जा, चले तो भाई अभी हम ऊपर आ गए हैं, अगर गेट वेट खोलो। हाँ तो भाई अभी हम ऊपर आ गए, दिखाते हैं आपको। हाँ खोल दो गेट खोल दो। हटो इधर हो जाओ, साइड पर हो जाओ, कुछ बाहर आ जाएंगे। चलो छोड़ो अभी सफाई करते हैं अपन। तो भाई आप टाइमलेस के मज़े लीजिए और हमारे चुटकुले के देखें, बड़ा होता जा रहा है माशाल्लाह से। तोतों के साथ हर दोस्ती हुई है सर सबसे। अच्छा यार अभी आज अरम को हम अंदर भी डालेंगे और बोलेंगे वो कुंडलियाँ चेक करे इसमें। नहीं। अरम इसमें वो देख, उसमें देख तोता अंदर बैठा हुआ है, उसमें उसके बराबर वाले में और इसमें, और सब में एक दो में कैमरा लेके अंदर जाके चेक करो आप। दिन वाला वो करते नहीं भाई, अभी जो है ना मुर्गो उर्गो को खोलते हैं, सफाई वफाई करते हैं, आपको दिखाते हैं टाइमलेस। देखिए गाइस तोते कैसे पालक खा रहे हैं, तोते की सबसे फेवरेट गिज़ा होती है पालक, कल मैंने यूट्यूब पर देखा था तो फिर ये करा। चलो अंदर जाओ, अंदर अंदर अंदर, मुर्गा गुस्सा कर रहा है इस पर और मुझ पर भी, बाकी मैंने पानी वानी भी फुल कर दिया है और ये मैंने इनके लिए अंडों के लिए सिस्टम भी कर दिया, दाना वाना डाल दिया है और ये सब माशाल्लाह से फुल रच के खा रहे हैं सारे तोते। अभी और भी आ जाएंगे थोड़ी सी देर में और शायद दिख रहा हो आपको कैसे खा रहे। और ये सायरा भाई इंशाल्लाह जैसे वो आएगा
संडे तो हम सायरा का पार्टनर भी लाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें लाएंगे। और माशाल्लाह से फिंचिस सुपर है, ये भी फिंचिस। और मुर्गों को भी कर दिया, बाकी सफाई वफाई भी कर दी है पिंजरे की भी, इधर साइडों की भी, ये कचरा है। तो गाइस अभी जो है ना हम चलते हैं कि नीचे, क्योंकि अब जाना है गोदाम। तो जब मैं भैंस कॉलोनी से आ रहा था ना, तो रास्ते में मैंने अंडे वाली घास ले ली थी, फिर मैंने यूनुस भाई को फ़ोन करा कि यार वो ना दो पेटियाँ पकड़ लो कहीं से सब्ज़ी वाले से, फिर बोला पालक भी ले लेना, तो वो भी लिया है यूनुस भाई। तो अब चलते हैं जी नीचे, फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम आराम करने के बाद जाना है गोदाम। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। और नीचे का फ्रश हो रहा है जैसे कि आपको पता है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको नीचे चल के भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि आज होगा, क्योंकि अब बहुत सारा काम है। मुझे ऐसा लगता है कि आज सिर्फ मलबा बिछेगा और कल फ्रश होगा, बाकी अब देखते हैं नीचे चल के। तो इसमें जो है ना गोदाम चले गया था, गोदाम से आया हूँ और ना नहाने गया, क्योंकि मम्मा ने बोला नहा लो, जाना था शादी में, कज़न की शादी है। तो आज सिर्फ इतना सही काम करा है मिस्त्री ने, शायद आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, मैं एक मिनट लाइट खोल के दिखाता हूँ आपको। भाई आज इतना ही काम करा है इसने, बस मलबा फैलाया है और अब ये कल ये करेगा भाई। हमारा मेन मकसद ये है, देख लो आप, ऐसा कि ये मेन होल बंद है, इसके ऊपर मलबा डाल दिया, जो सुराख था ना वो वहाँ पर था, मेन होल बंद हो गया, फिर भी पानी आ रहा है। मेन मरहल ये है कि हम जब फर्श ऊंचा करा लेंगे ना, तो पानी यहाँ नहीं आएगा, पानी यहाँ नहीं आएगा। तो जो है ना अभी जा रहा हूँ शादी में, गाड़ी निकालते हैं बस चलते हैं शादी में। तो मैं आपसे मिलता हूँ शादी से आने के बाद थोड़ी देर में बस। तो भाई मैं ना शादी से आ गया था, कज़न की शादी थी तो वहाँ से आ गया था मैं। तो अभी जो सीन कुछ ऐसा है कि आज की वीडियो तो बहुत छोटी सी है, क्योंकि आज तो मैंने इतना ख़ास कुछ करा ही नहीं था, बहुत बिजी था और तबीयत भी थोड़ी सी डाउन थी। तो कहने मुझसे थे कि इंशाल्लाह कल वाला व्लॉग अच्छा होने वाला है, थोड़ा बड़ा सारा होने वाला है। अभी तो छोटा सा होगा, 8-7 मिनट का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो नेक्स्ट व्लॉग होगा ना, वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बड़ा होगा, ठीक है। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त, मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, भाई को दुआओं में याद रखिए, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। अल्लाह हाफिज़। इट्स योर बॉय। Yeah, pull up on you like agency. Teta asrat manfi. Tujh mein dar hai, I can sense it. Left you bloody just immense.